नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश नायक। आज मैं आपके लिए पीएफ से रिलेटेड और एक वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि जो है आप अपना पीएफ बैलेंस, एक्चुअल बैलेंस टोटल कैसे चेक कर सकते हैं। वैसे पीएफ बैलेंस चेक करने के 5 तरीके हैं। पहला है, आप जो है अपने बेसिक सैलरी से, जैसे मान लीजिए कि आपका 8000 बेसिक सैलरी है, तो आप उसे मल्टीपल कर दीजिए 12 से और डिवाइड कर दीजिए उसे 100 से, यानी कि 8000 गुणित 12 भागित 100, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका पीएफ करता है पर मंथ का, आपके बेसिक सैलरी से। दूसरा जो है, आप ईपीएफ इंडिया में जाएंगे, वहाँ पर आप जो है पीएफ बैलेंस चेक का वहाँ पर ऑप्शन रहता है, वहाँ पर आप चेक करेंगे अपना, यानी कि पीएफ का स्टेट, ऑफिस और आपका पीएफ नंबर डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो आपको मैसेज आएगा। उसके बाद तीसरा है, यूएन नंबर अगर आपका एक्टिवेट है तो आप MEPF ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड्रॉइड में, और वहाँ पर आप अपना यूएन नंबर और जो है आपका मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वहाँ पर डिटेल्स बता देगा और आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन बता देगा। चौथा जो है, आप यूएन आपका एक्टिवेट है तो आप जो है 011-22-90-1406 में जैसे मिस कॉल देंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर से, तो आपके पास उसके थ्रू से भी मैसेज आ जाता है आपका पीएफ बैलेंस। और पांचवा और सबसे अच्छा जो तरीका वो है, आप ईपीएफ इंडिया में जाइए और वहां पर मेंबर पासबुक डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका पासबुक जनरेट हो गया होगा तो आप जो है वहां पर लॉगिन करके आपका पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों में लेकिन एक चीज़ ये है कि आपको कहीं पर एक्चुअल ये नहीं कि आप देखकर बता सकें कि आज तक का मेरा जो है इतना पीएफ टोटल जमा है, नहीं कर सकते, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, अलग अलग ये चीज़ करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। तो दोस्तों, अगर आपने पीएफ का पासबुक डाउनलोड किया होगा तो आप देखे होंगे कि उसमें 3 कॉलम में आपके कंट्रीब्यूशंस दिखाए रहते हैं, पहला एम्प्लॉय शेयर, दूसरा एम्प्लॉयर शेयर और तीसरा जो होता है वो पेंशन का। तो दरअसल होता क्या है कि आपकी जो बेसिक सैलरी से 12% कटता है वो एम्प्लॉय शेयर यानी कि आपका शेयर होता है फर्स्ट कॉलम में, दूसरा कॉलम में होता है एम्प्लॉयर शेयर यानी कि आपके जो एम्प्लॉयर जमा करते हैं, और तीसरे कॉलम में पेंशन का होता है, जो आप अगर 9.5 साल से भी ज़्यादा कर लेते हैं जॉब तो आपका वो पेंशन फंड में चला जाता है और 58 साल की उम्र के बाद आपको वो पेंशन के रूप में मिलने लगता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि आपके पास जो मैसेज आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, जैसे आप यूएन में मिस कॉल देंगे तो मैसेज आएगा, ईपीएफ इंडिया में जाएंगे मैसेज वाला अपना मोबाइल नंबर डाल के, तो उनमें लोग क्या करते हैं उसको डबल कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो है पीएफ पास, मान लीजिए आपके पास मैसेज आया कि 1346 रुपये का टोटल है ना, तो आप क्या करेंगे उसका डबल कर देंगे तो आपका 2600 से ज़्यादा बन जाएगा, जबकि आपका इतना जमा नहीं हुआ रहता है। आपको करना क्या है कि 1346 गुणित 0.532 पे कर देना है, यानी कि 1346 गुणित 0.532 जैसे करेंगे इज इक्वल टू करेंगे तो आपका 716 रुपये आ रहा है। 716 जो है आपका ये पेंशन का, जो आपके वो मैसेज में नहीं बताता है पेंशन का फंड, तो 716 रुपये आपका पेंशन का यहाँ पर आप निकाल लिए। अब 716 और 1346 को आप जोड़ देंगे तो आपका हो जा रहा है टोटल आपका पीएफ जितना आपके महीने में जो बता रहा है। तो इस तरीके से देखिए, आप ये पासबुक में आप पता कर सकते हैं। पासबुक में होता क्या, आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, तो आप ये दो कॉलम का आपको जोड़ के आपको मैसेज में सेंड करके बताता है, तो आप उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं और आप कई लोग इसका जो है डबल कर लेते हैं और सोचते हैं 2600 रुपये एक महीने का बन रहा है, लेकिन जब पीएफ निकालते हैं तो देखते हैं कि हमारा पीएफ कम आया जबकि महीने का 2600 रुपये जमा हो रहा था। तो दरअसल दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। इस ट्रिक से आप जो है अपना पीएफ, एक्चुअल पीएफ चेक कर सकते हैं। और जो पांचवी चीज़ मैंने बताई पीएफ पासबुक से, उसमें कुछ हद तक बहुत सही बताता है और बराबर एक्टिवेट वहां पर अपडेट होता है, लेकिन उसमें भी एक खामी है जो शायद आप लोगों को पता ना हो, वो ये कि उसमें जो मंथ बताता है, जैसे 4/2016 यानी कि 2016 के चौथे महीने में आपका इतना जमा हुआ, तो वहाँ पर आप ये सोचते हैं कि चौथे महीने का मेरा पीएफ इतना जमा हुआ, तो ये बिल्कुल गलत है। आप जो सोचते हैं कि चौथा महीना का वो जमा हुआ है, वो दरअसल हुआ होता है तीसरे महीने का। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपने तीसरे महीने में जॉब किया, ड्यूटी किया, तो उस ड्यूटी का आपको जैसे पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलता है अगले महीने यानी कि चौथे महीने, सेम इसी तरीके से उसी महीने का यानी कि तीसरे महीने का आपको पीएफ जमा होता है उसके अगले महीने पीएफ ऑफिस में, तो वहाँ पर एंट्री होके आता है चौथे महीने का, और आप सोच रहे थे कि ये चौथे महीने का जमा हुआ है,
दरअसल वो होता है एक महीने पिछला यानी कि तीसरे महीने का वो जमा हुआ है। तो आपकी ये कन्फ्यूज़न भी अब दूर हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपना पीएफ चेक कर सकते हैं और एक्चुअल पता कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, प्लीज़ तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।